हाय फ्रेंड्स, फूड क्रेविंग्स बाय शगुन में आज बनने जा रहा है हमारी मिर्च करौंदे की सब्जी, जो बनाने में बेहद आसान, बहुत ही कम समय में बन जाने वाली और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होने वाली है। ये ऐसी सब्जी है जिसमें अगर आपको एक रोटी की भूख होगी तो आप 2 से 3 रोटी तो खा ही लेंगे। चाहे आप किसी सब्जी के साथ इसे खाएं या फिर दाल के साथ, ये उसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल ले जाती है। मॉनसून के सीज़न की ये एक खास डिश है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं मिर्च और करौंदे, लगभग 150 ग्राम यहाँ पे करौंदे लिए हैं मैंने और इतनी ही लगभग मिर्च भी ली है। मिर्च आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। करौंदों को इंग्लिश में क्रैनबेरीज कहते हैं और ये बहुत ही हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में और साथ ही हमें यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है बरसात के मौसम में। सिमिलरली हमें मिर्च का बीज भी कहते हैं कि पेट में होना चाहिए बारिश के मौसम में, ये हमें हेल्प करता है उल्टी वगैरह प्रिवेंट करने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरे के क्रैकल हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग भी, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी मैं अपने करौंदे। करौंदों को मैंने 1/4 पार्ट में कट कर लिया था और उनके बीज जो होते हैं उनको मैंने अलग कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे करौंदे डाल दिए। अच्छा, इस सब्ज़ी में अगर आप चाहें तो आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बनाया क्योंकि मेरे फैमिली में ये ऐसी अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आप इसमें प्याज या फिर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा करौंदों को हम यहाँ पे भून लेंगे और उसके बाद में डालेंगे हम यहाँ पे अपने सूखे मसाले, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इस सब्ज़ी में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खट्टेपन के लिए यहाँ पे करौंदे अपने आप डले हुए हैं, वो काफ़ी खट्टे होते हैं। और उसमें तीखेपन के लिए हम यहाँ पे हरी मिर्चें यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें मिर्चें अलग से हमें यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरीके से करौंदों के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे अपनी कटी हुई मिर्चें। मिर्चों को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज़ में कट करेंगे और उनको भी हम अच्छी तरीके से इसमें करौंदों के साथ मिक्स कर देंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल 2 से 3 चम्मच पानी, जिससे कि उसकी स्टीम में ही हमारे मिर्च और करौंदे पक के बिल्कुल तैयार हो जाएँ। इसमें ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसका लिड लगा देंगे हम और इसको 4 से 5 मिनट के लिए बनने के लिए छोड़ देंगे। और आप देखेंगे कि इतने कम टाइम में ही ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसको एक बार बनाना तो बिल्कुल बनता ही है। जब ये इतनी टेस्टी, साथ ही में हेल्दी और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होने वाली सब्जी हो, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं होते हैं बनाने में। तो देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें करौंदे ऐसे चेक कर लेने, अगर इसमें सब्ज़ी में तीखापन ज़्यादा लग रहा हो तो इसके बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर डालना होगा थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। आमचूर के पाउडर से इसका तीखापन बैलेंस हो जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा कम लगे तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी 7 से 8 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और लंच में, डिनर में किसी भी दाल या सब्ज़ी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, या फिर टिफ़िन में पराठों के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देगी। आप इसे कैसे भी इंजॉय करिए, लेकिन एक बार इसको बनाइएगा ज़रूर और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।